Assalamualaikum dear students, good morning. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, today we have started exercise 4B from chapter number 4. In this exercise we have to do the sums regarding LCM. So I have written question number 1 here. Question number 1 is in front of you. Look at the question number 1. Question number 1 says that find the LCM of the following numbers by common multiple method. So let's consider ke what is common multiple method. So I have written question number 1 from question number 1 part 1, and the question is that 4, 6 and 8. It means we have to do the LCM of these numbers by common multiple method. So let's consider ke what is common multiple method. I have written here solution, and we have to took the LCM of 4, 6 and 8. So I have written here common multiples of 4. Common multiples का मतलब ये है कि 4 की table में जितने numbers आ रहे हैं, 4, 5, 6 number तक आप उनको लिखें, फिर 6 की table में जितने numbers आ रहे हैं वो भी 6 तक, अगर आप 4 के भी 6 तक लिख रहे हैं तो इसके भी 6 तक लिखें, फिर 8 की table में जितने भी number आ रहे हैं वो सारे के सारे इसके common multiple कहलाते हैं. तो यहाँ पर मैंने common multiples of 4 इस तरह से लिखे हैं कि 4 की table में पहले 4 आएगा, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24. ठीक है, आगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा. देन आई हैव रिटन हियर मल्टीपल्स ऑफ 6. मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, इट मींस वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 6. द टेबल ऑफ 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 3s are 18, 4s are 20 एंड सो ऑन. यानी कि ये नंबर भी क्या रहेंगे, चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे. सेम अगेन आपके पास तीसरा नंबर है 8. सो आपने क्या करनी है, 8 की टेबल वाले नंबर्स पढ़ने हैं. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 2s are 20, 3s are 24, 8 4s are 32. और ये नंबर आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे. अब देखें कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, कि ये जो तीनों नंबर्स आपने कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं, आपने 4 के भी कॉमन मल्टीपल निकाल लिए, 6 के भी निकाल लिए, 8 के भी निकाल लिए. अब इसमें लीस्ट कॉमन वैल्यू देखना है. लीस्ट कॉमन का वैल्यू का मतलब है कि 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर नहीं है तो ये वाला नहीं होगा. 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है तो ये वाला भी नहीं होगा. 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर भी है लेकिन 12 यहाँ पर नहीं है तो ये वाला वैल्यू भी नहीं लिया जाएगा. ठीक है, 16 यहाँ पर है, 16 यहाँ पर नहीं है लेकिन 16 यहाँ पर है तो ये वाला वैल्यू भी नहीं लिया जाएगा. यानी कि ऐसा वैल्यू लेंगे जो तीनों में कॉमन आ जाए. तीनों, 4 में भी वही आए, 6 में भी वही आए, 8 में भी वही वैल्यू आ जाए. 20 को ले लें, इन दोनों में 20 नहीं है तो 20 भी नहीं होगा. आ जाते हैं 24 पर, 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पर भी है. तो मतलब लीस्ट कॉमन जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास 24 आएगा, जो कि तीनों नंबर्स में क्या है, मौजूद हैं. तो इसकी जो LCM होगी बाय लीस्ट कॉमन मेथड वो क्या आएगी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन 4, 6 एंड 8 इज 24, जो कि इसका LCM कंसीडर होगी, इसका आंसर कंसीडर किया जा रहा है. सेम वैसे आपका जो होमवर्क है एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आपने सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है. ठीक है बेटा, अगर कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.